तो गाइस देखो, जब हम इसको ऑन करेंगे ना, तो आप देखो एप्पल की लोगो आ रही है। हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि i7 प्रो मैक्स के स्मार्ट वॉच में एप्पल का लोगो कैसे लाते हैं। मान लीजिए ऑफ़ करें या फिर ऑन करें, तो एप्पल का लोगो अगर आता है तो अलग ही इंप्रेशन जमता है, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है वॉच के अंदर कि अगर हमारा एप्पल लोगो शाइन करता है तो बहुत अच्छा लगता है, लोगों के ऊपर काफ़ी अच्छा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो अब बात करते हैं कि इस टाइप की लोगो नाले के लिए कौन सा कोड हमें इस्तेमाल करना होता है। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली, इसलिए वीडियो को बिना भी स्किप किए हुए एंड तक देखना। तो गाइज़, ये रहा हमारा i7 प्रो मैक्स, आप देख लो गाइज, ठीक है, ये रहा हमारा i7 प्रो मैक्स। अब हम देखते हैं कि इसमें एप्पल लोगो नहीं आ रहा है, ये देखो, ये हमारा हो गया ऑन, ठीक है, पावर ऑफ हो गया। अब यहाँ से हम पावर ऑन कर लेते हैं, ये देखो हमने पावर को ऑन कर लिया, ठीक है, ये हमने यहाँ से ऑफ ऑन करना होता है ना, तो ऑन ऑफ कर लिया। अब हम बात करते हैं अगर एप्पल का लोगो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कौन सा कोड डालेंगे। तो दोस्तों, कोड डालने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ मैंने कुछ कोड लिख रखे हैं। मान लीजिए ये वाली कोड आपको डालनी है, तो आपको क्या करना होता है, वाली कोड आपको डालनी है ना, सिंपली से ये वाली कोड आपको डालनी है। तो यहाँ पे गए कॉल पे, स्टार हैज़, उसके बाद 1818, फिर स्टार, उसके बाद फिर आपको करना हैज़। इतना करने के बाद अगर नहीं ले रहा है, ठीक है, तो आपको दूसरे कोड पे आना है। दूसरा कोड हमारा है स्टार हैज़ 210 और ये आपका आ गया 722 स्टार हैज़। ये देखो यार, ये भी कोड नहीं ले रहा है, ये कोड भी नहीं ले रहा है, तो आपको क्या करना है, दूसरा कोड ट्राई करना है। स्टार हैज़ हमें हो गया 210 802, ठीक है, स्टार हैज़, यार ये भी कोड नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, तीन कोड था हमारे पास, तीनों कोड हमने इसमें डाल दिया है, लेकिन अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुई है, इस वजह से जो है कि अभी ना इसमें दिख नहीं रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है वो कोड, जो कोड हमें सेट करना है वो कोड सेट नहीं हो पा रहा है। इसलिए i7 प्रो मैक्स में जो है कि अभी एप्पल लोगो हम सेट नहीं कर पा रहे हैं, अभी ऐसा फीचर नहीं आया हुआ है। लेकिन देखा, मैं आपको अगर ये दूसरे वाली i7 प्रो मैक्स की बात करूँ, तो आप देख लो, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो आप देख लो एप्पल लोगो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यार ये देखो, लेकिन यार अब इसमें नहीं आ रहा, तो इसमें क्या मेन इशू, मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरानी स्टॉक है, समझ लो, अब जो नई स्टॉक आ रही है ना, वो नए वर्जन में आ रही है, तो उस वर्जन में हमें कुछ कोड डालनी होती है। ये कोड आप नोट कर लो, आपके किसी ना किसी वॉच में ये आपके मदद कर पाएगी। मान लीजिए स्मार्ट वॉच i7 प्रो मैक्स नहीं है, कोई और दूसरा वॉच है, तो ये जो कोड है ना आपकी बहुत ही हेल्प करेगी। दोस्तों, ये कोड डालने के बाद आप डायरेक्ट जो है अपने वॉच में एप्पल का शाइन, एप्पल का लोगो लगा सकते हो बिना किसी नुकसान के। तो दोस्तों, फ्री में बिना पैसे दिए हुए आप ऐसा काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो में वो कोड लाऊंगा जो कोड से स्मार्ट वॉच i7 प्रो मैक्स वॉच में एप्पल लोगो ईजिली आ जाएगा, ठीक है।